हमीरपुर में समाजवादी व्यापार सभा के कार्यकर्ताओं ने जीएसटी के टैक्स स्लैब में 7% की वृद्धि के विरोध में जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और साथ ही केंद्रीय वित्त मंत्री समूह का संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंप कर समस्याओं का निराकरण कराने की मांग की है। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी शामिल हुए। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशन पर कार्यकर्ता और जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए नजर आए। इसके पश्चात कपड़े और जूते पर बढ़ाई गई 7% जीएसटी के विरोध में वित्त मंत्री से संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रभूषण त्रिपाठी को दिया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कपड़ा होजरी और जूतों पर जीएसटी 5% से 12% करना व्यापारियों को किसी रूप में स्वीकार नहीं है। सरकार के निर्णय को वापस ला लिया गया तो देश के 7 करोड़ व्यापारी आंदोलन की राह पर चलने को बाध्य होंगे। कच्चे माल में 30-40% की वृद्धि हुई है जिस कारण महंगाई बढ़ी है। जो केंद्र सरकार ने एक बड़ी बारी में उपयोगी चीजें हैं जूता कपड़ा वैसे भी देख रहे हैं उनकी जीएसटी 1900 बार में जीएसटी फेल हुई। इन्होंने किसी प्रकार का यह अनियमित तरीके से जीएसटी लगा रहे हैं और ये जीएसटी लगाने से ज़्यादातर ये गरीब लोगों में बहुत बड़ा अंतर पड़ेगा। उस संदर्भ में हम लोग एकत्रित होकर के ज्ञापन दिए हैं जिलाधिकारी के माध्यम से गवर्नर को कि ये इनका जो जीएसटी का लगाया हुआ है वापस महंगाई से कंट्रोल किया जाए। आप दूसरे जगह जगह पर व्यापारी आत्महत्याएँ कर रहे हैं, 1100-1200 लगभग व्यापारी हत्याएं कर चुका और ये महंगाई पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा जीएसटी का।